व्लॉग तो 7 डे है आज हमारा। लास्ट डे हम कन्याकुमारी पहुंच गए थे और यहाँ एक टेंपल में घूम लिए। पेरी से रॉक मेमोरियल जाना था बट काफ़ी तेज हवा चलने के कारण वहाँ पेरी की जो सर्विस है वो बंद कर दी गई थी, जो अब हम जाएंगे। और रूम का जो मेरा रिव्यू है वो यही है कि रूम हमारा ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, तो एवरेज है। और कल शाम को भी हम मार्केट में घूम लिए, सनसेट हमने देख लिया, शाम को डिनर करके आए थे जो आपको पता ही है। और अब हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद 8 बजे पेरी सर्विस स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हम रॉक मेमोरियल के लिए जाएंगे। और हमारे रूम से सीधा बिल्कुल सनराइज़ दिख रहा था, जो मेरे पीछे आप विंडो देख रहे हैं इससे सीधा हमने सनराइज़ देखा। और अभी मैं थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ कि हमारे रूम से क्या। तो हमारे रूम से सीधा व्यू है सनराइज़ का, और ये एक टेम्पल और रॉक मेमोरियल है विवेकानंद का। तो अभी यहाँ जाएंगे, ये सामने पेरी खड़ी हुई है, तो ये 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं आपको विवेकानंदा की स्टैचू। ब्रेकफास्ट रिव्यू अनुज, ब्रेकफास्ट रिव्यू जीरो यार, इतना बुरा तो नहीं है, चाहे अच्छी नहीं है। ब्रेकफास्ट रिव्यू ओके, क्या दिक्कत है? ओके क्यों है, अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा, टेस्ट आपका नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है अभी ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं है। ब्रेकफास्ट इज गुड। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अनुज कह रहा है चाय नहीं मिली अच्छी। तो गाइज फेरी हमारी आ चुकी है, अब फेरी से सीधा जाएंगे टेंपल। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, लोगों की लाइन लग जाती है टिकट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल हैं वो तो आते हैं, प्लस टूरिस्ट भी हो जाते हैं, बट लोकल यहाँ के ज़्यादा हैं, तो ये लाइफ जैकेट वगैरह भी देते हैं। बट भीड़ का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब फेरी में खड़ा होकर जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सीट वीट सब कुछ मिलेगी, क्योंकि एक टाइम पर इतने ही लोगों को लेके जाते हैं जितने इनके पास सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो अब हमें मिल गई है सीट, हम सब यहाँ पर बैठ जाएंगे। और कैसे हो गाइस, सब सारे ओके हैं? और इधर मनीष, हाँ भी मनीष, ये देखो भाई इसके ये मुझे। फेरी से कुछ हमें 10 मिनट लगे हैं यहाँ पे टेंपल तक पहुँचने के लिए, मतलब जो विवेकानंद का स्टैचू है वहाँ पे तो आप नहीं जा सकते, ये मंदिर है और यहाँ पे एक विवेकानंद जी का टेंपल भी बना हुआ है जो मुझे अभी पता चला है। तो अभी यहाँ पे सबसे आगे मतलब इस रो में मैं ही बैठा हूँ, रो तो नहीं, मतलब सबसे आगे खिड़की के पास मैं ही हूँ, तो यहाँ से सबसे पहले उतर के सीधा आप टेंपल की तरफ जाएंगे। और बिल्कुल टायर वायर लगा रखे हैं, वैसे सेफ है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ जो मैं मदुरई से देख रहा हूँ, मदुरई और फिर कल कन्याकुमारी और आज, मतलब यहाँ के जो हिंदू लोग हैं ना वो भाई अपनी रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अपने नॉर्थ इंडियन इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितने ये लोग हैं। मतलब आपको देख के फील होता है कि भाई हिंदू हो तो ऐसा होना चाहिए, अपने तो ठीक ठाक है सब, बस काम चल रहा है बढ़िया, बट यहाँ के लोग इस मैटर में काफ़ी अलग हैं।
में मजे आए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। मनीष थोड़ा डर रहा था, डर नहीं रहा था उसकी तो गाइज व्यू देखिए आप, कितना शानदार व्यू है। और ये सामने जो है पार्वती जी का टेंपल है, वो विवेकानंद जी का स्टैचू जो कि बन रहा है अभी, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये विवेकानंद जी का टेंपल है। और इन्होंने एक ये बहुत अच्छी चीज़ बना रखी है, एक कंपस है जिससे अपना सारा नॉर्थ इंडिया इस साइड मतलब रह जाता है। तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। फेरी से आपका रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको यहाँ आना ही आना चाहिए। अगर आप कन्याकुमारी आए हो तो बहुत मज़े आने वाले हैं। गाइस टेंपल का विज़िट हो गया कंप्लीट और मैं जा रहा हूँ सीधा अब होटल। वो सब लोग जो हैं मेरे से बाद में आएंगे। व्हाट्स अप गाइस, तो रॉक मेमोरियल पे तो रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो वहाँ जाना तो अलाउड नहीं है। उसके पास एक मंदिर बना हुआ है पैरी से, वहाँ मंदिर पे लेके जाते हैं। तो मंदिर पे जाए, मंदिर में पार्वती जी के पैर का निशान बना हुआ है ऐसे बताते हैं, और वो देख के काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मज़े आए वहाँ जाके। पैरी में काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका रास्ता, क्योंकि जितनी हवा तेज़ होगी पैरी में आपको उतने ज़्यादा मज़े आएंगे। मॉर्निंग में तो इतना हवा का वो कोई सीन नहीं होता है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा लगा जाके। और अब वापस होटल आ गए हैं। आज हम जाएंगे एलिपूजा, वहाँ अच्छा रिजॉर्ट करने का प्लान है। तो यहाँ से अभी 5 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे बाद आपको एलिपूजा या एलिपी में मिलते हैं आपको। और अनुज काफ़ी खुश लग रहे हैं, कैसे रही अनुज अपनी पैरी वाली राइड? पैरी की राइड ठीक रही अपनी? डर तो नहीं लगा? मनीष तो काफी डर रहा था, मनीष थोड़ा घबरा गया। पास में बड़े बाबा बैठते हैं, बाबा बैठे थे, हाँ बड़ी उनकी एक मैंने अच्छी सी फोटो ली है बाबा के साथ, वो आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको केरला जाके। गाइस बस निकल ही रहे थे कन्याकुमारी से, तो निकलते टाइम यहाँ पे एक लोकेशन आई है बहुत अच्छी सी, यहाँ पे हम सब लोग फोटो ले रहे हैं। तो एक गाइस फाइनली ट्रिप में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट था वो आ चुका है। ये कोस्टल रूट है और इस साइड मेरी जो है सी है और ये रोड है। तो भाई काफ़ी शानदार व्यू है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट था हमें। जी कैसा रहा अपना फिर आज कोस्टल रूट का यहाँ तक आना? ये पूरे ट्रिप पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, लोकल लाइफ बाकी वहाँ लोगों की, उनकी लाइफ देखने को मिली, घर देखने को मिले, बहुत ही अच्छा दोनों साइड अच्छा व्यू था। अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस था। ट्रैवल करते थोड़ी डिफिकल्टी तो फेस करनी पड़ती है ना? थोड़ा पतला आगे, मतलब आप 4 lane 6 lane हाईवे पे चल रहे हो, उतना स्मूथ तो नहीं होता, ट्रैफिक होता है, लोकल सारा बाइक ऑन साइकिल्स वगैरह भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ मनीष, क्या फोटो देख रहे हो आप? तो पहले ये मास्क डालो एक बार। क्या प्लान है फिर आज, कौन से में वहाँ रिजॉर्ट में रुकना है? आज हम एलिपी में एक रिजॉर्ट देख रहे हैं, कोई अच्छा। अच्छा, एक दो देखे हैं उनमें से चल रहा है, कौन से में अच्छी। बैकवाटर्स, बैकवाटर्स में वहाँ पे बोटिंग भी करेंगे। अच्छा,
काफी अच्छी जगह है, बैक वाटर्स वहाँ के बहुत फेमस है। ठीक है मोहित, बढ़िया, क्या रिव्यू देना आज? ठीक है, बस आज बैक वाटर्स देखेंगे, मनीष ने को रिजोर्ट देख रखा है, उसी का वेट है। अपने क्या हाल है? बढ़िया हाल है। आपको कहाँ रुकना है आज अनुज कुमार? हम तो आपको गाड़ी में ही आज रखने का प्लान कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? यस गुड बॉय। भाई केरला में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ट्रैफिक की, रोड जो है इनके नेशनल हाईवे वो भी सिंगल है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि आप ट्रैवल करते हुए इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो। तो कुछ 7 घंटे की ड्राइविंग करके हम फाइनली एलएपी पहुँच चुके हैं और अभी हम सीधे जो हैं होटल लेक पैलेस की, स्टेरलिंग लेक पैलेस की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ अभी कोई फाइनल नहीं है हमारा, हम स्टे करेंगे, हम जाके देखना चाहते हैं क्योंकि उसके रूम्स में हमें थोड़ा सा डाउट है और दूसरा होटल भी हमने एक देख रखा है, तो पहले वहाँ पे विजिट करके देखते हैं। फाइनली पहुंच गए हम स्टेरलिंग लेक पैलेस में, ये एलएपी रिजॉर्ट है, काफ़ी अच्छा है, 5-star प्रॉपर्टी है। तो अभी इनकी बैटरी बाइक आ रही है, पार्किंग इनकी बाहर ही, आप मेरे पीछे देख रहे हो गाड़ियां खड़ी है, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई, तो यहाँ इनकी बाहर पार्किंग है, अभी बैटरी बाइक आएगी उससे हम अंदर जाएंगे, रूम वगैरह चेक करेंगे और फिर प्लान करेंगे। कि वैसे तो कॉल करके मैंने बात की थी तो डील इनकी मुझे ठीक लगी, बट थोड़ा सा हमें ये है कि उदय और इसके रूम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि फ़ोटोज़ में जो गो आई पी वो पे है तो उनमें उदय के रूम्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसके थोड़े से उतने अच्छे नहीं लग रहे, तो पहले जाके वो देखेंगे, अगर वो हमें ठीक लगते हैं तो हम यहीं स्टे करेंगे, वरना फिर उदय के या किसी और के लिए प्लान करेंगे। सो अब हमारी बैटरी बाइक आ चुकी है, वैसे बैटरी बाइक तो नहीं है, गोल्फ कार्ट है ये, तो यहाँ से सीधा इनके रिसेप्शन तक जाएंगे, तो ये फैसिलिटी इनकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। गाइज नो डाउट रिजॉर्ट का एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट इसके रूम आपको डिसअपॉइंट करते हैं, और ये सामने बैक फोटोज देख रहे हो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट रूम इनके टोटली आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं है, बट हम में से 2-3 लोगों को पसंद नहीं आए वो, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर स्टे नहीं कर रहे। हम जो है स्टेरलिंग लेक पैलेस को कैंसिल करके अब रमाडा की तरफ जा रहे हैं, वो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, वो रमाडा की बिल्डिंग है, बट एलएपी में मुझे एक चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम लगी, पता नहीं जिन रोड पे हम जा रहे हैं वही ऐसी है, मतलब जो लोकल रोड वगैरह है, स्ट्रीट है या जो भी, इन पे मतलब कोई अच्छी नहीं बनी हुई है, तो ये फाइनली एंट्रेंस आ गई है, तो मैं तो अब यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे स्टे कर लें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि 7-8 घंटे से हम ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ के रोड वगैरह मतलब रोड अच्छे हैं, बट मैंने आपको बताया था कि सिंगल रोड हैं तो उनसे काफ़ी आपको दिक्कत होती है, आप टायर्ड हो जाते हो। तो ये इनका पोर्च वगैरह आ गया, तो अभी एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे, बट देखते हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रूम हमें पसंद आ जाए तो वो सबसे अच्छा होगा, वरना इधर उधर जाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट भी होगा। तो यहाँ इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक तो किसी ने नहीं रोका है वैसे मोस्टली।
स्पेशली रवाड़ा में हमने चेकिंग ले लिया है, रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं और कल जो हमारी बोटिंग है वो इनमें इसमें इंक्लूड है और पूल भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि केरला में काफ़ी कोविड का चल रहा था, बट पूल का कोई सीन वैसा नहीं है, जो फुली वैक्सीनेटेड है वो पूल यूज़ कर सकते हैं। आज काफ़ी टाइट थे क्योंकि केरला में, मैं आपको चीज़ बता दूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ के जो स्टेट हाईवे हैं या जो नेशनल हाईवे हैं वो भी सिर्फ सिंगल लेन हाईवे है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो काफ़ी टाइट हैं। आज हम अभी पूल में जाएंगे तो वहाँ थोड़ी अपनी टाइटनेस को दूर करेंगे। चुकी है बट मैं इनसे काफ़ी लेट आया था, मेरे पीछे आप देख भी नहीं पा रहे हो अच्छे से, मेरी वीडियो आपको मिल नहीं रही है ना। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पीछे पूल है, तो अभी यहाँ घंटा डेढ़ घंटा लगाएंगे। अनुज हाँ भाई, मजे आ रहे हैं? पूरे फाइव स्टार के पूरे मजे आ रहे हैं, पूरे मजे आ रहे हैं। गुड, फुल एंजॉय जनाब, फुल एंजॉय। गुड गुड गुड, आप भी एंजॉय करो। मैं कर रहा हूँ पूरे एंजॉय। ओके ओके, उधर मनीष जाकर को दिखाओ, कोई आसन कर रहे हैं योगा का लग रहा है। कौन सा आसन चल रहा है अभी? गुड गुड, यस कम ऑन। ये हमारे जीजा श्री का डाइव लग रही है। ओह वेरी गुड, और टांग छोड़ दो। सो गाइस, स्विमिंग पूल से आ गए वापस, अब डिनर के लिए जा रहे हैं। डिनर यहीं कर रहे हैं, इनको रेस्टोरेंट में ही बुफे लगा हुआ है, तो जाके वहाँ बूफे की वैरायटी भी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी वैरायटीज़ हैं। अभी मैं चेक करके आया हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो जाके वहाँ करते हैं। वेज में भी काफ़ी आइटम है क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं लेता, तो वेज मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो जाके देखते हैं वहाँ पे। इज़ फाइनली टाइम टू स्लीप, और आज के दिन में मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिखाई हैं। पर्सनली मुझे ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा, और आपको भी अच्छा लगा तो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।